दृढ़ इच्छा शक्ति के चमत्कार। किसी भी पक्ष को ग्रहण करने के पूर्व यह अवश्य सोचना चाहिए कि इस काम को करने में मेरी अधिक से अधिक कितनी हानि हो सकती है। इससे मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है और मनुष्य प्रलोभनों से बचा रहता है। प्राय ऐसा भी होता है कि एक निश्चय पर पहुंचने के बाद कार्य आरंभ किया गया, परंतु कुछ समय बाद ही कोई अन्य प्रलोभन सामने आ जाता है। फिर वही पहले वाली अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मनुष्य इस नए प्रलोभन का शिकार हो गया तो उसकी इच्छा शक्ति निर्बल पड़ जाती है। अतः आपने प्रथम निश्चय से कभी भी डिगना नहीं चाहिए। प्रलोभनों के अतिरिक्त आपने निश्चय पर अटल रहने में दूसरे प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। वह हैं अप्रत्याशित कठिनाइयां। मनुष्य कितना ही दूरदर्शी एवं कल्पनाशील हो, परंतु किसी कार्य में सामने वाले आने वाली कठिनाइयों का 100% अनुमान लगा लेना असंभव है। किसी निश्चय पर पहुंचने के बाद जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो अनेक ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती है जिनकी हमने कल्पना भी न की थी। बस हमारा मन डावाडोल होने लगता है। हमें ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कार्य सिद्धि के मार्ग में न जाने कौन बाधा कहाँ से आ जाए, अस्तु उसका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। तभी दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रह सकती है। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ 12।